देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप फ्रेंड्स जिस वीडियो को देखें प्रहू में और यहाँ पर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं चलता हुआ, सेम इसी इफेक्ट में इसी प्रकार से आप अपना फोटो लगाकर इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को यानी फ्रेंड्स हम एलाइट मोशन एप्लीकेशन से बनाने वाले हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जा सके। और फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपके मोबाइल में एलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स इसका लिंक हम दे दिया हूं, यानी फ्रेंड्स हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से सिंपली आपको जाकर डाउनलोड कर लेना होगा। और फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सिंपली वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और फ्रेंड्स हमारा जो ऑल मटेरियल है वहां पर आपको जाना होगा। वहां पर आपको ये वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपको मिलेगा, यानी फ्रेंड्स बिटमार्क प्रोजेक्ट का और फ्रेंड्स टेक्स्ट प्रीसेट है, इसका भी लिंक वहां पर हम दे दिया हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बिटमार्क पर आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वाला जो रीडायरेक्ट कर देगा यानी फ्रेंड्स एलाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स यहां पे इंपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और फ्रेंड्स आप अपना डाटा ऑन रखिएगा। उसके बाद यहां पे थोड़ा सा समय लग जाएगा, उसके बाद आपको बताता हूं इसके आगे आप क्या कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जा सके। तो फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलकर आ गया, यानी फ्रेंड्स इसके जो बीट मार्क है यहां पे आ गया फ्रेंड्स देख सकते हैं। उसके बाद यहां प्लस पर क्लिक करेंगे और यहां पे मीडिया में आ जाएंगे। देख सकते हैं आने के बाद फ्रेंड्स आपको इसमें जो भी फोटो को ऐड करना है उस फोटो को फ्रेंड्स आप अपने गैलरी से यहां पे आपको चूज कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स आपको बताने के लिए हम इस फोटो को ले लिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं। बाद फ्रेंड्स इसको यहां से जूम करेंगे, यहां पे आ जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, इस पर क्लिक करेंगे और यहां से इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपको जूम कर लेना होगा। जूम करने के बाद फ्रेंड्स इसको आपको एडजस्टमेंट कर लेना होगा, इस प्रकार से एडजस्टमेंट करने के बाद इसको छोड़ देना होगा, देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसी पर क्लिक करेंगे और यहां पे आ जाएंगे इफेक्ट में। आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे उसके बाद यहां पे आ जाएंगे ऐड इफेक्ट में। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे सर्च बार में आपको क्लिक करना होगा और यहां पे गजन ब्लर का जो ऑप्शन मिलेगा इस ऑप्शन को आपको यहां पे चूज कर लेना होगा इस प्रकार से। और यहां पे स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इसका जो यानी फ्रेंड्स स्टैंडर्ड का जो ऑप्शन मिलेगा इसको यहां से 100 कर लीजिएगा इस प्रकार से, यानी फ्रेंड्स इसका जो ब्लर का जो यानी फ्रेंड्स ड्यूरेशन है इस प्रकार से। उसके बाद यहां से बैक करिएगा, फिर आपको इफेक्ट पर आ जाना होगा। फिर से फ्रेंड्स आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना होगा और फिर से फ्रेंड्स आपको ये वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑक्सिलिएट, इसको आपको यहां से ले लेना होगा और यहां पे स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से। और उसके बाद फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा यहां जो एंगल का जो ऑप्शन मिलेगा यहां से आपको कम करना होगा इस प्रकार से, यानी फ्रेंड्स माइनस में आपको चले जाना होगा इस प्रकार से। सॉरी फ्रेंड्स यहां से माइनस ऑन कर लेना होगा इस प्रकार से, हम कर लेते हैं फ्रेंड्स देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स इसको माइनस में करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम फ्रीक्वेंसी का जो ऑप्शन मिलेगा इसको यहां से 0.5 कर लीजिएगा, यानी फ्रेंड्स 0.05 करना होगा आपको इस प्रकार से, कम करना होगा इस प्रकार से फ्रेंड देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स ऑप्शन आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड, इसको आपको क्या करना होगा यहाँ से 200 करना होगा इस प्रकार से, इसको इंक्रीज करना होगा फ्रेंड्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इंक्रीज करना होगा 200 तक, देख सकते हैं इस प्रकार से आपको भी कर लेना होगा। उसके बाद इसको छोड़ देना होगा, छोड़ने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से इसी फोटो को आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मीडियम आ जाएंगे। फिर फ्रेंड्स इसी फोटो को हम ले लेता हूँ, देख सकते हैं ले लिए। फिर फ्रेंड्स यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाला जो शेप है इस शेप को ले लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इसी पर क्लिक करेंगे और इसका जो इस प्रकार से इसका जो साइज है इस प्रकार से इंक्रीज करेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं इतना आपको कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसको छोड़ देंगे इस प्रकार से। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दो पर, और ये वाला जो आइकन मिलेगा इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी पर क्लिक करेंगे ग्रुप पर और यहाँ पे एडिट ग्रुप पर आ जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे फोटो पर इस प्रकार से, और यहाँ पे आ जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में देख सकते हैं, और इसको इस प्रकार से आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा फ्रेंड्स आप अपने अनुसार से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ से बैक आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स फिर इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड्स देख सकते हैं बॉर्डर एंड शैडो पर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे ऐड बॉर्डर पर इस प्रकार से, और यहाँ पे
देख सकते हैं इसका जो साइज है इस प्रकार से इंक्रीज करेंगे, इसका जो बॉर्डर है इस प्रकार से आएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप अपने आंसर से रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्लिक करना होगा और इसका जो साइज है इस प्रकार से इंक्रीज करेंगे, और यहाँ जो शेडो का ऑप्शन मिलेगा इसको यहाँ से इनेबल कीजिएगा और यहाँ पर आ जाइएगा कलर पर, और इसका जो कलर आप जो रखना चाहते हैं आप अपने अनुसार से जिस कलर जो कलर आपको अच्छा लगता है यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम व्हाइट रहने देता हूँ, देख सकते हैं अच्छा लग रहा है, और इसका जो साइज इस प्रकार से इंक्रीज कीजिएगा आप अपने अनुसार से। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना होगा, उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो ग्रुप है इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे इफेक्ट में, देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा ऑक्सिलिएट, देख सकते हैं इस प्रकार से आपको भी सर्च कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एंगल का जो ऑप्शन मिलेगा इसको आपको 90 कर लेना होगा, यानी फ्रेंड्स 90 कर लेना होगा, इस प्रकार से इसको इंक्रीज कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा समय भी लग सकता है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जा सके। इस प्रकार से इंक्रीज कीजिएगा, देख सकते हैं 90 हो गया, यानी फ्रेंड्स 90 आपको कर लेना होगा अप्रोक्स, देख सकते हैं इस प्रकार से आपको भी कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको फ्रीक्वेंसी का जो ऑप्शन मिलेगा इसको आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसको 0.15 कर लेना होगा, यानी फ्रेंड्स इसको कम करना होगा इस प्रकार से, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 15 होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड का जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ से 30 कर लीजिएगा इस प्रकार से, यहाँ पे इतना होगा। उसके बाद इसको छोड़ देना होगा, छोड़ने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, इसमें एक शैडो है फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट शैडो आपको इसमें यूज करना होगा। उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे प्लस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो शेप है इस शेप को ले लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कलर एंड फिल पर क्लिक करेंगे और इसके जो कलर है यहाँ से आपको व्हाइट ले लेना होगा और ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद इसको इस साइड में आपको खींचेंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से, और इसको इधर लाएंगे इस प्रकार से, और इसको हल्का सा नीचे कर लेंगे इस प्रकार से, इतना आपको कर लेना होगा बीच में यहाँ पे फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो ऑप्शन मिलेगा ब्लैक वाला इस साइड में लेफ्ट साइड में इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाला जो आइकन मिलेगा इसी पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे बैक आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, इन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिएगा तीनों को, देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में आ जाना होगा इस प्रकार से, और ये वाला जो आइकन मिलेगा यहाँ पे इसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ तक आ जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें आपको लिरिक्स को ऐड करना होगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना होगा, बैक आने के बाद फ्रेंड्स ये वाला जो प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स इसको आपको यहाँ पे ले लेना होगा, इस प्रकार से ओपन कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसका भी लिंक हम दे दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और फ्रेंड्स देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे एनिमेशन आएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस का जो आइकन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, देख सकते हैं कॉपी लेयर, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना होगा और यहाँ से बैक आइएगा। बैक आने के बाद फ्रेंड्स फिर इसी प्रीसेट में आपको आ जाना होगा इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पे प्लस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से पेस्ट कर लेना होगा इस प्रकार से, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस प्रकार से आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी आपका सॉन्ग का जो लिरिक्स है यहाँ पे आपको ऐड कर लेना होगा, जो भी आपका लिरिक्स होगा यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स एग्जांपल के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट पर आ जाएंगे और आपका जो भी सॉन्ग होगा यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स जब तक इस प्रकार से अगर है तो इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे ऐड करना होगा और फिर से एडिट पर आइएगा और इसका जो यहाँ पे यानी फ्रेंड्स इसके जो फॉन्ट है आप अपने अनुसार से इस फॉन्ट को आपको यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। फ्रेंड्स हम एग्जांपल के लिए यानी फ्रेंड्स आपको बताने के लिए हम इस फॉन्ट को यहाँ पर यूज़ किए हैं, आपको फ्रेंड्स जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा फ्रेंड्स आप अपने अनुसार से। तो यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए, उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पर आ जाना होगा और इसी को आपको फिर से यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से पेस्ट कर लेना होगा इस प्रकार से। और फ्रेंड्स इसके बाद में दूसरा जो भी यहाँ पे लिरिक्स आएगा आपको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो कॉम बेस हो रहा है उसके लिए फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे, यानी फ्रेंड्स जहाँ बीट मार्क है। उसके बाद ये वाला जो आइकन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे और इस आइकन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर से फ्रेंड्स उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट लेयर कर लेंगे और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड्स आपका जो भी बीट है फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाइएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये वाला जो आइकन है इस पर क्लिक कीजिएगा और ये वाला जो आइकन है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यानी फ्रेंड्स कोई
फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको भी बना लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताता हूँ ये वाला जो हम यानी फ्रेंड्स प्रोजेक्ट बना कर रखे हुए, देख सकते फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सेव करके रखे हुए, यहाँ पे आपको बताता हूँ वीडियो को प्ले करके, देख सकते फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, दिख रहा है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आपको भी बना लेना होगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो के बनाने के लिए जो भी हम मटेरियल यूज़ किए हैं इन सभी का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिंपली वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक में। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।